हमारे जितने भी दर्शक हैं, ईरान ने जो तैयारी कर रखी है वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। ईरान किस चीज का इंतजार कर रहा है ये कोई नहीं जानता है, ये हमारे गेस्ट हमें बताएंगे, लेकिन हम आपसे कुछ क्षणों में आपको दिखाने वाले। लेकिन आइए जरा ब्रांडिंग पर चेंज करिए राहुल, आज की जो एक और बड़ी खबर है, रूस पर हमला, बहुत बड़ी खबर है। नेटो का मिशन पुतिन, नेटो का मिशन पुतिन, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग, रूस के वोरोनिश में इमरजेंसी का ऐलान, ब्रेक करिए सर की बड़ी खबर। वोरोनिश में रूस का बड़ा वेपन डिपो तबाह, रूस के आसपास के इलाकों को खाली कराया गया, यूक्रेन ने वोरोनिश वेपन डिपो पर ड्रोन से हमला कर दिया है, बड़ी खबर। स्थानीय लोगों ने पूरी रात विस्फोटों की सुनी आवाज, ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर। रूस के वोरोनिश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया, वोरोनिश में रूस का बड़ा वेपन डिपो तबाह, यह देखिए जरा, रूस ने आसपास के इलाकों को खाली कराया गया, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, यूक्रेन ने वोरोनिश डिपो पर ड्रोन से हमला किया है। ये देखे, स्थानीय लोगों ने पूरी रात विस्फोटों की आवाज सुनी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, कैंप 4 पर आइए, और ये बड़ी खबर मैं बताने से पहले, क्या रशिया अमेरिका के मिसाइल से डर गया है, ये अमेरिका का कहना है। ब्रेक करिए मेरे बगल में ब्रेकिंग, अमेरिकी ATACMS से डरा रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस ने अपने 90% विमान को मिसाइल रेंज से हटा लिया है। अमेरिका का यह कहना है कि जो हमारे ATACMS है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रशिया को, रूस में कई सैन्य संपत्तियों की जगह बदलने का दावा, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी का दावा। मैं इसके अपर गोप्रो पर आ रहा हूं राहुल, यह वाली खबर फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई है, और जब मैं अपर गोप्रो पढ़ूंगा तो उसके बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, वोरोनिश वाली। आइए जरा ये डिटेल में आपको दिखा रहा हूं, अमेरिकी ATACMS से डरा रूस, बल्कि मैं कहूंगा ये रशिया की स्ट्रैटेजी है। क्यों? ये हमेशा होता है युद्ध में, अमेरिकी ATACMS की रेंज से रूस ने अपने 90% विमानों को हटाया है, रूस ने अपने कई सैन्य संपत्तियों को अमेरिकी वेपन रेंज से किया बाहर, रूस की मूवमेंट पर राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी का दावा। मार्च में यूक्रेन को मिले 306 किलोमीटर क्षमता वाले अमेरिकी ATACMS, रूस के 100 से ज्यादा मिलिट्री बेस अमेरिकी ATACMS की रेंज में, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। कई नेटो देशों ने रूस के अंदर उसके वेपन से हमले की इजाजत दे दी है, यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल इस खबर को रखिए और बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट ऑल्टरनेटिवली ऊपर चलाते रहिए, और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, जॉन किर्बी का यह कहना कि हमारे मिसाइल की रेंज से रशियन एयरक्राफ्ट्स दूर चले गए हैं, क्या वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अमेरिका अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को रशिया में अटैक की अब इजाजत देने वाला है? देखिए, अभी तक जो खबर है निशांत, जो वाशिंगटन के जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं उसमें उनकी नीति अभी तक नहीं है कि अमेरिका अलाउ करेगा अपने वेपन्स को, खासकर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को रूस में यूज़ करने, रूस के टेरिटरी में यूज़ करने के लिए। लेकिन अमेरिका पे काफ़ी प्रेशर है, और अमेरिका प्रेशर पश्चिमी देशों का, यूरोपियन कंट्रीज़ का है, और पोलैंड, यूक्रेन इत्यादि का भी है कि वो इजाज़त दे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अमेरिकन हैं और वहाँ के जो थिंकर्स हैं उनको यह भी लग रहा है कि शायद यह यूक्रेन के लिए सबसे अच्छा मोमेंट है कि वो कर्क्स के एरिया में है ही, और वहाँ से 500 किलोमीटर का डिस्टेंस मॉस्को है, तो उसको भी टारगेट कर सकता है। और रूस को डर यह है कि रूस को अपने प्रोटेक्शन से ज्यादा डर है कि उनको लग रहा है कि वॉर एस्केलेट हो जाएगा, और एस्केलेट होने की संभावना में नेटो से सीधा, नेटो अगर रूस के अंदर के टेरिटरी या सिविलियन टेरिटरी में अटैक होता है तो नेटो के पोलैंड पे भी अटैक हो सकता है, इसकी पूरी संभावना बनती है। और वैसे में फिर अगर नेटो का अटैक होता तो ये सारे इश्यूज अभी वहां पे डिस्कस हो रहे हैं मॉस्को के साइड में भी और नेटो के भी साइड में। हालांकि अभी तक इजाजत नहीं दिया है अमेरिका ने, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है, तो रूस को लगता है कि ये इजाजत मिल भी सकता है, इस कारण से रूस भी घबराया हुआ है, ये सच है। आप जो बता रहे हैं सर, हमारे जितने भी दर्शक, राहुल एक बार टाइट फ्रेम पर आइए, अगली दो ब्रेकिंग और शॉट आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर यह युद्ध किस ग्रेविटी के साथ हो रहा है,
और हम उस इलाके की बात कर रहे हैं जिसमें यूक्रेन में सबसे ज्यादा इंडियंस हुआ करते थे, जिसको यूक्रेन की सिलिकॉन वैली कहते हैं, जहां से कई इंडियंस को इवैक्यूएट कराया गया और अभी भी कई इंडियंस हैं। बड़ी खबर, खार्कीव में आमने सामने की लड़ाई, ब्रेकिंग और शॉर्ट ब्रेक करिए आयमन साहब, करिएगा। ये देखिए जरा, यूक्रेन के 3 ब्रिगेड का अचानक हमला आयमन साहब, रूसी पोजीशन पर यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस का हमला, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट आई मीन। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, शॉट देखिए जरा, खार्कीव में आमने सामने की लड़ाई। मैं चाहूंगा बस कुछ क्षणों के लिए टिकर में हमारी खबर का ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए जरा। यूक्रेन के 3 ब्रिगेड का अचानक हमला, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए रूसी पोजीशन पर यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस का हमला, ये देखिए आमिन साहब, ये देखिए किस तरीके से वहां पर ये इन्फेंट्री अटैक चल रहा है। ये देखिए जरा आमने सामने की लड़ाई खार्कीव में। राहुल इसमें चाहूंगा मैं जरा फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आमिन साहब, खार्कीव की जो जंग है उसके विजुअल्स आपके सामने पहली बार, ग्राउंड ऑपरेशन सबसे बड़ा, फर्स्ट ऑन TV9 आपके सामने। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, खार्कीव में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इसी के साथ राहुल जरा आइए एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए बगल में राहुल मेरे। ये देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर, इसी का पार्ट टू मैं आपको दिखाने वाला हूं, खार्कीव में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा आयमन साहब, रूस यूक्रेन फोर्सेस के बीच घंटों मुठभेड़, ये देखिए जरा खार्कीव में रूस का एक साथ डबल अटैक, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए ब्रेकिंग के साथ। ये देखिए फर्स्ट ऑन TV9 इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा खार्कीव में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों वीडियो दिखाइए स्क्रीन पर और एम्बियंस अप करिएगा और फर्स्ट ऑन TV9 के बैंड के साथ, ये खार्कीव के सबसे खतरनाक विजुअल्स आपके सामने। ये देखिए किस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशंस वहां पर चल रहे हैं। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, मैं वॉक करते हुए नीचे आऊंगा। ये देखिए आइए जरा, अब जो मैं आपको बता रहा हूं एक बार पहले यहां पर ब्रेकिंग देखिए, जो हमारे सामने ब्रेकिंग में आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये ब्रेकिंग देखिए, पहले ये ब्रांडिंग देखिए, आई स्टैंड करेक्टेड।